अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो यूटिलिटी अलाउंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यूटिलिटी अलाउंस सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को 2017 से दिया जा रहा है और अब 1/1/2019 से उनके ऑफिसर्स को भी दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन हुआ है। ये सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लाइज होते हैं, उनको यूटिलिटी अलाउंस दिया जा रहा है। इससे जो ऊपर निकलें तो बाहर निकलें तो दूसरे डिपार्टमेंट में यूटिलिटी अलाउंस अभी तक नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक महकमे ने जो है वो यूटिलिटी अलाउंस पर पेपर वर्क शुरू कर दिया है। वही मैं आपको बताता हूँ कौन सा डिपार्टमेंट है और उनका क्या आगे प्लान है कि यूटिलिटी अलाउंस अपने मुलाजमीन को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मगर इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने भी अपने मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने के हवाले से जो पेपर वर्क है वो शुरू कर दिया है और उन्होंने इसके हवाले से लागत जो है वो लगाई है कि इसमें अगर हम यूटिलिटी अलाउंस अपने मुलाजमीन को देते हैं तो वो जो है उसके कितने अखराजात होंगे, ऑफिसर्स को क्या देना चाहिए और ऑफिशियल्स को क्या देना चाहिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक जो है ख़ुद मुख्तियार इदारा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्रपोज़ल तैयार किया है अपने मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने का वही रखा है जो कि सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लाइज को दिया जा रहा है। यानी 1/8 स्केल तक एक स्टेज बनाई है, फिर 9/14 तक दूसरी, फिर 15 स्केल वाले को, फिर 16 और फिर इसी तरह 17 स्केल और फिर 18, 19, 20 और यानी 3,000 से लेकर 30,000 तक जो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीट के दी जा रही है वही फिर इन्होंने भी प्रपोज़ल बनाई हुई है। उनका पेपर वर्क शुरू हो गया है तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब सेक्रेटरीट से थोड़ा बाहर निकल के एक ख़ुद मुख्तियार इदारे ने भी अपने मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने के हवाले से पेपर वर्क शुरू कर दिया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।